रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने न्यूक्लियर वॉर से मुतालिक कहा, हरगिज नहीं छेड़नी चाहिए एटमी जंग। नेटो के साथ हालत जंग में हम नहीं, लेकिन नेटो लीडर खुद को रूस के साथ हालत जंग में समझते हैं। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़रा के खिलाफ नारेबाजी का मामला, तौहीन आमेज नारे लगाने पर 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार, सऊदी हुकूमत कर सकती है डीपोर्ट। इंतहाई कशीदा हालत के दरमियान 2 फलस्तीनियों ने एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड का फायरिंग में कर दिया कत्ल। इसराइल ने हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू की कार्रवाई। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी, टेम्परेचर 45 डिग्री से हुआ ज्यादा। तेलंगाना में गर्मी और बारिश की पेश कयासी, अगले 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत रहेगी बरकरार। मुल्क में कोयले की कमी के लिए मोदी सरकार को ठहराया गया जिम्मेदार, राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बुलडोजर चलाना बंद करे मोदी सरकार और चलाए पावर प्लांट्स। बिहार में वज़ीरे आला नीतीश कुमार और बीजेपी के दरमियान बढ़ती जा रही हैं दूरियां। बीजेपी लीडर्स की मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने के मुतालबे को फालतू करार देते हुए नीतीश कुमार ने कर दिया मुस्तरद।